बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मात्राएं। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो बच्चों, हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। आइए अब हम इस कविता को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि आम फलों का राजा है, पीला मीठा ताजा है, रस से भरा है इसका तन, मोह लेता है सबका मन। तो बच्चों अब यहाँ पर कुछ आगे हम चित्र देखेंगे और उनके नीचे उसके स्वर चिन्ह लिखेंगे। जैसे जूता, तो ये ज प्लस उ त प्लस आ, चार व्यंजनों के मिलने से बना है। इसी तरह रोटी, र प्लस ओ प्लस ट प्लस बड़ी ई, तो ये चार वर्णों के मिलने से। इसी तरह स प्लस छोटी त प्लस आ र प्लस आ, तो ये छह वर्णों के मिलने से बना है। तो बच्चों, स्वर चिन्ह के बिना हम इन शब्दों को पढ़ेंगे अगर, तो स्वर चिन्ह के बिना ये शब्द अधूरे हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो जो चिन्ह हमने इन शब्दों से अलग किए, इन्हें ही हम मात्रा बोलते हैं। जैसे ज प्लस उ लिखा, तो उ जो है वो मात्रा है। हर एक स्वर के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जिसे हम मात्रा कहते हैं, और स्वर जब व्यंजनों से मिलते हैं तो इनका रूप बदल जाता है। और स्वर का प्रयोग मात्रा के रूप में होता है, इसलिए व्यंजन के साथ स्वर न लिखकर उनकी मात्राएं लगाई जाती हैं। और अ अकेला ऐसा स्वर होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो स्वरों के लिए निश्चित जो निशान होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनको हम मात्रा कहते हैं। अब हम स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। जैसे अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, क में अ मात्रा नहीं, अ लिख के तो क व्यंजन बन जाता है। इसी तरह आ की, आ का डंडा निशान होता है, मात्रा होती है। क में आ की मात्रा लगेगी तो का हो जाएगा। इसी तरह छोटी की मात्रा होती है जो वर्ण से पहले लगाई जाती है। क में ई की मात्रा लगी की, बड़ी की मात्रा लगी की, छोटे ऊ की मात्रा लगी, ये व्यंजन के नीचे लगती है। कु, और बड़े ऊ की मात्रा में कु की आवाज निकलती है। इसी तरह री की मात्रा लगाते हैं तो क्री, ए की मात्रा क के ऊपर लगेगी तो के, आई की मात्रा लगेगी तो कई, ओ की मात्रा लगेगी तो को, और औ की मात्रा क में जोड़ेंगे तो कऊ। इस तरह से मात्राएं जुड़ती हैं। तो बच्चों, इन सभी मात्राओं को लगाने का तरीका अलग होता है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगाई जाती हैं, तो कुछ नीचे लगाई जाती हैं, कुछ व्यंजनों के आगे लगाई जाती हैं और कुछ उनके पीछे लगाई जाती हैं। र के साथ छोटे उ या बड़े उ की मात्रा उसके आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं लगती, बल्कि उसके पेट में लगती है। जैसे कि र प्लस उ तो रू, रुपया। इसी तरह र प्लस बड़ा उ में आगे से घुमाकर उ की मात्रा लगती है, जैसे शुरू, अमरूद। इस तरह से री की मात्रा हमेशा व्यंजन के नीचे पैर में की तरफ लगती है। जैसे क में री की मात्रा जुड़ेगी तो क्री, प में री की मात्रा जुड़ेगी तो प्री। तो बच्चों, हमने क्या क्या चीजें सीखी? स्वरों के लिए जो निश्चित चिन्ह होते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं, और प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। अ स्वर अकेला ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो इस तरह से हमने स्वरों और व्यंजनों की मात्राओं के बारे में सीखा। थैंक यू।